नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ तोशी मंदोला और आप देख रहे हैं तोशी टॉकीज। उत्तराखंड का एक जिला रामनगर, उस रामनगर जिला में एक छोटा सा गांव है गिरजापुर गांव। उस गांव में एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर है गिरजापुर देवी के नाम से, जो मशहूर है। ये मंदिर कॉर्बेट नेशनल पार्क की दहलीज पर आता है और रामनगर से तकरीबन 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। क्योंकि ये मंदिर जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है, इसलिए यहाँ पर कपल्स दूर दूर से एकांत पाने के लिए मिलने आते हैं। अब 22 मई 2018 को भी ऐसा ही हुआ। एक कपल एकांत पाने की उम्मीद से इस मंदिर के पास आता है सिर्फ मिलने के लिए। वो दोनों पकड़े जाते हैं, पूछताछ होती है तो पता चलता है कि लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू। अब जब मुस्लिम हिंदू या हिंदू मुस्लिम का मुद्दा सामने आता है तो जैसे मानो इस मामले ने आग जैसी तोड़ पकड़ ली है। लोग उस लड़के को पकड़ते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। अब इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिस पर इस नौजवान लड़के को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। अब ये आप फुटेज इस वीडियो में देखिए। ये वो वीडियो है जो सोशल मीडिया में काफी ट्रेंड हो रहा है। इसमें ये लड़की है जो इस लड़की के साथ पकड़ी जाती है। फिर लोग तमाशबिन होकर इकट्ठा होते हैं और कुछ लोग इनको मारते हैं, इस लड़की की पिटाई करते हैं। पर इस पूरी वीडियो के बीच में एक ऐसा शख्स है जिसकी वाहवाही हो रही है, और वो शख्स कोई और नहीं, उत्तराखंड में सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत है, जिनका नाम है गगनदीप सिंह। ये वो शख्स है जिनका नाम है गगनदीप सिंह। ये उत्तराखंड में सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत है और ये उस नौजवान को, इस जो लोग हैं जो खड़े यहाँ पर लोग हैं, इनसे बचाते हुए दिख रहे हैं। लोग गुहार लगा रहे हैं कि वो इस लड़के को छोड़ दे ताकि वो इसकी पिटाई करे और इसे मार दे, पर गगनदीप जो है वो उस लड़के को नहीं छोड़ते हैं और ना ही इसे इन लोगों के हवाले करते हैं। इसके बाद लोग पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, पुलिस की हाय हाय करते हैं, पर फिर भी लोग इसे मारने से बाज नहीं आते हैं। और अचानक से कुछ लोग इस पर टूट पड़ते हैं और गगनदीप इसे अपने सीने से लगाकर इसे बचाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को देखकर आप साफ समझ रहे होंगे कि ये भीड़ इतनी हिंसक है कि इस लड़के को यहीं पर मार सकती थी। और इस पूरी वीडियो में इस शख्स जो पुलिस अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, उनकी वाहवाही इसलिए हो रही है क्योंकि ये भीड़ इतनी हिंसक थी और इस भीड़ का शिकार ये इंसान भी बन सकते थे, पर बावजूद इसके इन्होंने इस नौजवान की जान बचाई। ये वो लड़का है जो पकड़ा जाता है, लोग उसे पकड़ रहे हैं, उसे पूछताछ कर रहे हैं, और ये लड़की है। लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो लड़का एक मुस्लिम है। अब भीड़ में खड़े जो लोग हैं, इनमें से कुछ हिंदू दल के हैं और कुछ अलग पार्टी से हैं। इस पूरे बवाल से निपटने के लिए पुलिस उन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। उसके बाद लड़की के माँ बाप को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और एक निजी चैनल के अधिकारी ने जब पुलिस से बात करी तो कुछ ऐसे बयान सामने आते हैं जो बहुत ही चौंकाने वाले हैं और जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं। जब स्वाति ने पुलिस से पूछा कि आप इन दोनों को पुलिस स्टेशन क्यों लाए हैं, ये दोनों नाबालिग नहीं बालिग है, तो पुलिस का बयान आता है कि मैडम ये
दोनों भले ही बालिग हो, पर हम पुलिस वाले हैं, हम देखकर समझ जाते हैं कि कौन बालिग है कौन नाबालिग। कुछ ऐसी भी लड़कियां होती हैं जो बालिग होती है पर मानसिक तौर पर उनके पास इतना सोचने और समझने का दिमाग नहीं होता है, वो नाबालिग होती है। ऐसी बहुत लड़कियां देखी है हमने जो स्मार्ट से लड़की को देखती है तो कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ, उसके बाद वो लिविन में रहती है। तो कोई इन महाशय को बताए कि लिविन में रहना कोई अपराध नहीं है, दूसरे जाति धर्म के लोगों से प्यार करना कोई पाप नहीं है और मंदिर में मिलना तो बिल्कुल भी कोई क्राइम नहीं है। इसके बाद महाशय आगे बताते हैं कि इनके माँ बाप को इसलिए बुलाया गया है कि ये अपने माँ बाप से बिना परमिशन के उस लड़के से मिलने आई थी, स्कूल के बहाने जाने के बदले ये लड़के से मिलने आई थी और अब हमने इसके माँ बाप को ये सूचना दे दी है, अब ये जाने और इसके माँ बाप जाने। स्वाति आगे पूछती है कि इस गर्मा गर्मी में अगर उन दोनों की ऑनर किलिंग हो जाती तो विक्रम राठौर साहब कहते हैं कि मैडम जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में क्यों सोचना। ऐसे और भी काफी आपत्तिजनक उनके बयान हैं जो सामने आए हैं कि ये एक भारत है और भारत में हिंदू मुस्लिम के प्यार करने पर बवाल हो जाता है, यानी कि अगर हम अन्य शब्दों में बोले तो हिंदू मुस्लिम का प्यार करना जायज नहीं है। तो एक सवाल जो खड़ा होता है सामने कि वो यहाँ पर सिर्फ कानून और अदालत के साथ वफादारी के लिए हैं या फिर पूरे लोकतंत्र और पूरे भारत को देखने की जिम्मेदारी है उनके ऊपर। अगर पुलिस के ऐसे बयान होंगे तो देश के लोगों का क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल तोशी टॉक।